सो वेलकम बैक टू गेमिंग एरा। तो क्या हाल यार आप सब लोगों की, उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया ही होगा। तो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं टीम एक्स पाक के साथ। सो फर्स्टली स्काउट ने अलर्ट किया, ये नोटिस दिया कि कोई भी टीएक्स के रिगार्डिंग फेक रूमर स्प्रेड ना करे। डेफिनेटली वो ट्रायआउट्स ले रहे हैं प्लेयर्स के, बट जब तक कोई पर्टिकुलर प्लेयर की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो जाती तब तक कोई भी रूमर स्प्रेड ना करे। अल्ट्रॉन का क्या सीन है? अल्ट्रॉन हैज लेफ्ट टीम एक्स पाक एज ऑफ नाउ, बट ऑफिशियल स्टेटमेंट आने बाकी है, तो वो चीज हम लोग दे देंगे हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे। एक बार हमारी टीम सेट हो जाए, मोस्टली हम लोग 5 बंदों के हम लोग टीम रखेंगे। 5 मैन लाइनअप रहेगा, एक कोच रहेगा, दिस विल बी अ टीम। तो ये टोटल 6 बंदों की टीम एक्सपर्क रहेगी, तो बता देंगे, अपडेट बता देंगे क्या है क्या नहीं। अभी फ़िलहाल तो अभी 1 महीना है हमारे हाथ में चीज़ें ट्राई करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। सो यस, एंसन नियो को ट्राई करो बाबा। इंसन वाले लौंडे अभी कॉन्ट्रैक्ट्स में हैं, उनको हम ले नहीं सकते हैं, आप समझो। और आई थिंक नियो हैज़ इंटरेस्ट ऑन सम डिफरेंट टीम, तो वहाँ जाएगा। मैं लीक नहीं करना चाहता, बट यस ही विल बी जॉइनिंग सम वेरी गुड टीम। तो जो भी रहेगा हम लोग आपको अपडेट दे देंगे ना। आप थोड़ा रिलैक्स करो, सब्र करो, वो चीज़ें को रिलैक्स कराओ, करेंगे। अब वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं हम सिड के बारे में। सो सिड ने रिसेंटली एक मोटिवेशनल एंड इंस्पायरिंग मोमेंट शेयर करते हुए ये कहा कि इन 2008 सिड के डैड ने उनको बहुत मारा था जब वो क्लास बंक करके कैफे में थे, एंड इन 2022 डेफिनेटली वी ऑल नो द हाइट ही हैज रीच्ड। अब वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं मिनी मलेशिया के बारे में। सो यार आई गेस आप में से बहुत लोगों ने ये गेम खेला होगा, एंड जो लोग इस ई-स्पोर्ट्स कम्युनिटी में पहले से हैं उनको ये पिक समझ आ गई होगी। सो बेसिकली ये कोई न्यूज नहीं है, बट नॉस्टैल्जिया फील हुआ तो यार इसलिए शेयर किया। अब वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं आज के स्पॉन्सर के बारे में। एंड आज के हमारे स्पॉन्सर है 1xBet। सो 1xBet एक ऐसा ऐप है जहां से यार आप काफी सारे पैसे कमा सकते हो। आप बीच में आए वैलोरेंट, एपेक्स लेजेंड जैसे गेम्स में प्रिडिक्ट करके आप काफी सारा अमाउंट जीत सकते हो। एंड 1xBet यार काफी ज्यादा भरोसेमंद एप्लीकेशन है। एंड यार 1xBet के काफी सारे पार्टनर्स भी हैं, जैसे यार ESL, Vplay Esports एंड IPL के टॉप महारथी भी, जैसे यार ड्वेन ब्रावो, फेमस क्रिकेटर्स लाइक युवराज सिंह, FC गोवा, बेंगलुरु बुल्स एंड यार काफी सारे। एंड आप यार इसी यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो। एंड यार आपके लिए एक बेनिफिशियल बात यह है कि अगर आप मेरा प्रोमो कोड 1xGaming यूज करते हो तो यार आपको मिलेगा 26,000 रुपए का INR वेलकम बोनस। तो यार आप इंतजार किस बात का कर रहे हो, फटाफट 1xBet पे जाओ एंड आप मेरा प्रोमो कोड रजिस्ट्रेशन के टाइम पर यूज करो जो है 1xGaming, एंड यार आपको वेलकम बोनस भी मिलेगा। तो फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको टॉप पर लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करो एंड मेक योर ई-स्पोर्ट्स लाइफ एंड अर्निंग लाइफ मोर एक्साइटिंग। अब वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं BMPS के बारे में। सो BMPS वीक 3 जो कि 2nd of June यानी कि कल से है, व्हाट आर योर प्रेडिक्शन फॉर टॉप 5? लेट मी नो इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बट एक फन फैक्ट की अगर बात करें तो टॉप 14 वो टीम्स हैं BMPS के अभी के पॉइंट्स टेबल में जो आर इन्वाइटेड थी BMOC में। Also talking about future after BMPS, तो 4 LAN event BMPS end होने के बाद हमें देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। Events की अपडेट चाहिए क्या गाइस? भाई आया तो LAN event की अपडेट तुम्हें को बता सकता है। LAN events का सीन ये है कि भाई तुम लोग पैसे बचाना स्टार्ट कर दो, अपने जो फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स हैं या फिर जो भी तुम लोग जिनके सुपर चैट जिनको तुम करते रहते हो भाई, अब बचाना चालू कर दो अगर तुम लोग खुद कमा नहीं रहे हो तो। क्योंकि 4 LAN इवेंट्स का अप्रूवल मिल चुका है अभी तक। सो यस, इंडिया के अंदर 4 LAN इवेंट्स का जो अप्रूवल है वो मिल चुका है। BMPS खत्म होने के साथ ही जो LAN इवेंट्स है वो देखने को मिलेंगे, एंड ऑब्वियसली ऑडियंस अलाउड होगी। 2 का तो मुझे कंफर्म है कि जो ऑडियंस है वो अलाउड है, बट बाकी का मेरे को नहीं पता। 2 का कंफर्म है कि वहां पर ऑडियंस अलाउड है। तो तुम लोग जितनी भी सुपर चैट वगैरह करते हो अपने फेवरेट क्रिएटर्स को, प्लीज अब कुछ दिन करना बंद कर दो। अब वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं मैक्सटन के बारे में। सो मैक्सटन रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किए जिसका टाइटल था डिलीटिंग यूट्यूब चैनल, एंड पहले तो यार मुझे क्लिकबेट लगा, बट इसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप देख सकते हो। मैंने फैसला किया मैं इस चैनल पे जिसका नाम है सागर ठाकुर, जो मैंने बाद में दम एक्शन कर दिया, इस पे मैं ये अलग अलग तरीके की गेमिंग डालना बंद कर रहा हूं, क्योंकि इससे अच्छा मैं नया चैनल बना लूं, उस पे मेहनत करना ज्यादा बेटर रहेगा। तो अंत में जाके मैं 8 से 16, 17, 18, 19 जितने भी साल के बंदे हो, अगर आपको एक्चुअल गेमिंग कंटेंट देखना है, फुली एंटरटेनमेंट, हाई क्वालिटी, तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा टू कीप यू गाइस एंटरटेन्ड। बाकी बताना जरूर कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको मेरा डिसीजन। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए चैनल पे, तब तक के लिए सायोनारा। अब वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं हम डायनेमो के बारे में। सो डायनेमो रिसेंटली बात करते हैं हाइड्रा बीजमाई लाइनअप के बारे में, एंड ये बताते हैं कि फ्यूचर प्लान्स उनके क्या हैं लाइनअप को लेकर के, इफ दे वॉन एंड इफ दे डिडंट।
Ritana bhai, good morning. What are the future goals of Hydra after BMPS? If they won, then. And if they won't, then. देखो यार, if they won, तो मैं बताऊंगा, बताना नहीं चाहूंगा. And if they won't, तो grind तो continue रहेगा. है कि नहीं? क्योंकि remember one thing, buddy. ये सबको पता है, but as a influencer, we have to, you know, always, क्या कहते हैं, लोगों को अच्छी चीजें बतानी होती है. और बतानी पीछे मेरे ख्याल से. हाँ, सो मैं कह रहा था, रिमेंबर वन थिंग, फेलियर विल एंड वॉज ऑलवेज बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस. अब वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं हम एंकीबॉट के बारे में. सो रिसेंटली ड्यूरिंग लाइव वो बात करते हैं मॉर्टल के बारे में एंड क्यों मॉर्टल बाकी अदर इन्फ्लुएंसर से थोड़ा हट करके है. उसके बारे में वो बात करते हुए कुछ ये कहते हैं. मतलब मैं तुम लोग को हर बार बोलता हूँ कि किसी को गॉडलीफाई मत करो, गॉडलीफाई मत करो, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. तो तुम लोग मॉर्टल को जरूर गॉडलीफाई कर सकते हो. तुम लोगों ने सुना है मेरे मुंह से कितनी बार कि मैं बोलता हूँ भाई, अपने जो तुम्हारे फेवरेट प्लेयर्स हैं, फेवरेट टीम है, उनको भगवान मत मानो. उनको तुम समझ रहे हो, उनके उनको तुम एक इंसान समझो कि हाँ उनसे भी गलती हो सकती है और ये सारी चीजें. बट फॉर मॉर्टल आल से He is an exception. And मैंने भी recently यार आपको बताया था कि mortal equals to 10 करोड़ plus worth. And वो part मेरी recent video में जिसने नहीं देखा वो आपको last video में दिख जाएगा. और एंकीबॉट की आगे बात करें तो वो ये भी बताते कि उनको उड़ता उड़ता सुनने में आया कि शायद BMPS winner PMWI खेलने ना जाए अगर business point of view से देखा जाए. But again this is nothing but just a rumor. But then there is one thing जो जाता है numbers के ऊपर भी, right? कि किस प्रकार के जो नंबर से वो टीम दे पाएगी. मतलब अगर हम इसको थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट डिपेंड्स, राइट, कि कौन सी टीम ज्यादा नंबर्स लेकर जाएगी. हालांकि एक चीज तो तय है कि इंडिया से जो भी टीम जाए उतना ही सपोर्ट मिलेगा, उतना ही व्यूअरशिप मिलेगा. बट ऐसा कुछ मुझे उड़ता उड़ता सुनने में आया. मैं फिर से बता रहा हूँ, इसमें कोई भी कन्फर्मेशन नहीं है, कोई भी लीक नहीं है, बस मैं खुद अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि टीम वही जाएगी जो BMPS में टॉप ऑफ द टेबल होगी, मतलब वही जानी चाहिए. बट If it comes to number, might be possible कि कुछ चीज़ें change हो. Again, यहाँ पे मैंने बहुत सारे might be, if, buts लगाए हैं, because वो लगाना ज़रूरी है. Also, Ankibot on hate comments के बारे में बात करते हैं, जो उनको DM में आए हैं. मैं कैसे दिखाऊँ तुम लोग को, ये कोई संचित शर्मा जी हैं, उनका मैसेज आया, भाई ये जो तू सोल के बारे में हेट फैलाता है ब्रो, आगे ही 60% बच्चे हैं कम्युनिटी में, क्यों गालियाँ खाएगा, तुझे सिर्फ सोल का ही खराब परफॉर्मेंस दिखता है. जब वीक वन में टॉप पे थे तो तेरी बोलती बंद थी. अभी तुम लोग को मैंने वीडियो दिखाई भाई, कौन सी बोलती मेरी बन थी. अब बड़ा उछल रहा है लौड़ा लस्सन बकचोदी, जो भी उसने लिखी आगे, मैं क्या ही तुमको गालियाँ सुनाऊँ जो उसने दी हैं. बट देन ऐसे बहुत सारे थे, बट मेरे को ऑब्वियसली ये मैं थोड़ा फ्लेक्स भी कर रहा हूँ कि ऑलरेडी काफ़ी सारे मैसेजेस आए हुए हैं, तो मेरे को सीरियसली दिख नहीं रहा कि वो कहाँ गया. भाई थोड़ा दिमाग से बोला करो, कुछ भी मत बोला करो, ठीक है भाई. भाई साहब आप ट्रॉलिंग से ज्यादा अपनी कास्टिंग पे ध्यान दो तो बेटर रहेगा आपके लिए. नो वंडर व्हाई इंडियन कास्टर्स नेवर गेट इवन क्लोज टू फॉरेन कास्टर्स. और बहुत उड़ रहा है भिखारी के, समझिएगा तुम लोग कि क्या होगा. औकात में रह के कास्टिंग कर लौड़े, जब टीम मर गई 1 2 3 क्यों कह रहा है, बुली कर रहा है साले, संभाल के थोड़ा, पता है ना फैन बेस किसका है वो, ठीक है भाई. अब वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं हम ओशन के बारे में. सो एज ऑफ नाउ क्योंकि ओशन स्काईलाइट्स गेमिंग के पार्ट नहीं है, तो ओशन कौन सी ऑर्ग में स्टेप इन करेंगे उसके बारे में एंकीबॉट बात करते हैं, जहां पर वो ये बताते हैं कि फिलहाल ओशन ब्रेक पर रहना चाहते हैं. टीएक्स ओशन, तो देखो ओशन ने स्काईलाइट गेमिंग तो छोड़ दी, वो तुम लोग को पता ही होगा. तो अभी के लिए जितना मेरे को पता, जितना मेरी बात हुई ओशन से, अभी अगले कुछ महीने के लिए ही इज लाइक नॉट इंटरेस्टेड टू ज्वाइन एनीवेयर एल्स. अभी के लिए मतलब वो अपना थोड़ा यू नो फ्रीडम एंजॉय कर रहा है, थोड़ा वो चिल रिलैक्स कर रहा है. तो अभी रिसेंटली तो वो कहीं ज्वाइन नहीं कर रहा है. हाँ, माइट बी अभी से 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद, आफ्टर BMPS, BGIS से पहले माइट बी पॉसिबल कि वो कहीं जाए. अब वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं हम टीम एक्सो के बारे में. सो टीम एक्सो की परफॉर्मेंस BMPS में हमने ऑब्वियसली स्पॉट करी कि जो कमबैक उनकी तरफ से आया स्टार्टिंग के बाद वो अभी तक का अनस्टॉपेबल कमबैक है. बट कहीं ना कहीं एक्सो के फैंस को स्नैक्स की कमी महसूस हुई एंड इसी के रिगार्डिंग कास्टर्स ने भी बात करी थी वीक 2 में. एंड कल के दिन जब सेंसे लाइव थे तो वो ये कन्फर्म करते हैं कि स्नैक्स वीक 3 में रिटर्न करेंगे. एंड आप देख सकते हो उन्होंने क्या कुछ कहा. ब्रदर स्नैक्स क्यों नहीं खेल रहा, कॉम्पी खेल तो रहा भाई, इस वीक खेलेगा वो, वीक 3 खेलेगा वो. तो बस यार आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ इतना ही. उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी. वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना. बाकी भी मैं भी चलता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में. साइनिंग ऑफ.